केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एसडीएम कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सिंह कुलस्ते ने प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया और बताया कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास कर रही है। एसडीएम कार्यालय का यह उद्घाटन डिंडोरी के बजाक में हुआ। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। उसके बाद बजाक मुख्यालय के पहले एसडीएम बैजनाथ वासनिक ने कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र बांटे और सभा को संबोधित करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान भी किया। आपको बता दें, एसडीएम कार्यालय का शुभारंभ होने से बजाक सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राजस्व के मामले में भारी राहत मिलेगी। लोगों को डिंडोरी जाने से छुटकारा मिलेगा और आसानी के साथ राजस्व संहिता का भी लाभ मिलेगा। ये मुख्यमंत्री जी की सोच और लंबे समय से इस विकास खंड है करंजिया बजाक के लोग चाहते थे कि सब डिवीजन यहाँ होना चाहिए, आज उसकी शुरुआत हुई है। और जितने भी राजस्व के मामले हैं, जितने भी संबंधित इस क्षेत्र के जो भी मामले हैं, चाहे बिजली पानी है, राजस्व के मामले हैं, विशेषकर कोर्ट केसेस जो रेवेन्यू के चलते हैं, इन सबकी सुनवाई अब यही होगी, यही इसका निस्तारण भी होगा। यहाँ के लोगों को अब डिंडोरी नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।